हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर स्प्रैंग चैनल में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे डीएसएसपी मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो इंग्लिश पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली जो एग्ज़ाम हुए थे वो जेजेए के हुए थे, उसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट, पीजीटी, फाइन आर्ट, ये पेपर हुए थे और इसमें किस तरीके की इंग्लिश पूछी गई थी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंग्लिश किस लेवल की है। इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही आ गए हैं क्योंकि पीजीटी फाइन आर्ट का भी पेपर हुआ है, तो टीचिंग का आपको वहाँ से जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि टीचिंग के जो पेपर होंगे किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग लगभग सेम ही होगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है सेम ही होंगे और वही चीज़ें पूछी जाएंगी। आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं आपसे, फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है। ठीक है, यही चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक डैश ही विल डिसाइड टू ज्वाइन अस टू नाइट। ठीक है, अब इसमें चार ऑप्शन है, परहैप्स, पॉसिबल, अलाइक और चांस। चांस देखिए, हर एक ऑप्शन को आप रख के देखेंगे तो भी जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चांस, चांस क्या होता है, मौका, मौका है कि वह आज रात हमसे जुड़ने का फैसला करे। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा, तो मौका तो नहीं होगा। अलाइक होता है सिमिलर टाइप में। ठीक है, पॉसिबल, पॉसिबल मतलब बिल्कुल हर, मतलब जिसमें जहां पे संभव कोई चीज होती है वो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। परहैप्स आएगा, शायद, परहैप्स मतलब शायद, मे बी, मे बी ही विल बी डिसाइड कि शायद वह आज रात हमारे साथ जुड़ने का फैसला करेगा। ठीक है, तो परहैप्स जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चारों मीनिंग ऐसे हैं कि जिसका आपको हिंदी ना आती हो, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, चारों बहुत ही इजी ऑप्शंस यहां पर गिवन थे। ठीक है, चलिए अब देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल आर्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आपसे पूछ लिया गया हो। तो देखिए, आई वॉज इन डैश डीप स्लीप वैन यू कॉल्ड। पर्टिकुलर चीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम दा का यूज करते हैं। एन और ए आपको पता है, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड चेक करके। और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे आर्टिकल नहीं लगता है, तो वो वाले क्वेश्चन भी देखेंगे जहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें भी आप याद रख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो है आर्टिकल का यूज जो है नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल ए का यूज होगा, आई वॉज इन ए डीप स्लीप। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है और डी आया है, वोवेल भी नहीं है। ठीक, तो मेन तो हमारा जो है साउंड को चेक करना होता है, तो ड साउंड अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये किस में जाती है, वोवल्स में जाती, उसमें सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड हो जाती है। तो आई वॉज इन ए डीप स्लीप वैन यू कॉल्ड, तो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इंप्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस को। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट को चूज करना है। यहाँ पे क्या कहा गया है, उशर अरोज फ्रॉम ए सोफा इन विच ही लेड एट फुल लेंथ। ठीक है, उशर अरोज फ्रॉम ए सोफा, अब सोफा के अंदर जो होता है या सोफा के ऊपर होता है, सोफा के ऊपर होता है ना, तो इन तो वैसे भी नहीं आना था, क्या आना था, ओन आना था। ठीक है, उशर अरोज फ्रॉम ए सोफा ऑन विच ही लेड एट फुल, ही हैड बीन लाइंग एट फुल लेंथ। ठीक है, तो यहां पे देखिए एट वैसे नहीं आएगा, ओन आना है क्योंकि सोफा के ऊपर है, इन नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचता था जहां पे ये आते हैं। ठीक है, तो पास्ट के साथ आपको क्या लगाना, क्या यूज किया गया है यहां पे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज किया गया है। ठीक है, मतलब एक जो चीज है वो पास्ट में हो गई है और एक अभी जो है कंटिन्यू में है। ठीक है, तो वहां पर इस तरीके से यूज हो जाएगा, उशर अरोज फ्रॉम ए सोफा ऑन विच ही हैड बीन लाइंग एट फुल लेंथ। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए ओके, अगला देखिए, अगला फिर से आर्टिकल है, द कैट हैज डैश एबनॉर्मल फियर ऑफ बर्ड्स। दा तो आएगा नहीं, हमें एन और ए में चेक करना है। ए देखिए अभी वोवल साउंड है, सॉरी वोवल आया है और साथ में एबनॉर्मल अ की साउंड है। ठीक है, तो क्या है, वोवल साउंड है। ठीक, तो एन एबनॉर्मल फियर ऑफ बर्ड्स जो है बिल्कुल राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हम सीधा इस पे चलेंगे, वैसे भी पता चल ही जाएगा। शी आस्क्ड इफ शी कुड कम, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड मतलब उसने पूछा, इफ शी कुड कम, इफ की क्या वह क्या सकती है, आ सकती है, क्या वह आ सकती है। अब यहीं पे बताना हमें क्या आएगा, वह आ सकती है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, तो ऑब्वियस है इसका तो नहीं बनेगा ये। ठीक है, कि वो कहे कि उसने पूछा कि वह आ सकती है इसके अलावा, किसके अलावा, नहीं। ठीक है, अलोंग होता है साथ में, अलोंग क्या होता है, साथ में।
अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, उसने पूछा कि क्या वह आ सकती है साथ में। यहाँ पे सही बन रहा है सेंटेंस, तो ऑब्वियसली अलोंग यहाँ पे सही रहेगा। अपार्ट क्या होता है? अपार्ट होता है अलग, ठीक है, किसी चीज से अलग, ठीक है। ओके, बिसाइड्स होता है बगल में या समीप कह सकते हैं, ठीक है, बगल में या साथ में कह सकते हैं, पास में कह सकते हैं, बिसाइड वो हो जाएगी चीज, ठीक है। ये बिसाइड्स के अलावा था, तो अब बताओ कौन सा सही लग रहा है? साथ में आना ही सही लग रहा है, तो ऑब्वियसली अलोंग हो जाएगा, ठीक। चलिए जी, ओके, यहाँ पे है डिडंट यू वॉक डैश देन यू वुड प्लांट। देखिए अलोंग होता है साथ में, एक बार हिंदी देख लेंगे तो आप इजीली इसको बता पाएंगे। फार्दर क्या होता है? फार्दर होता है आगे, ठीक है। अवे होता है दूर और अपार्ट होता है अलग, ठीक। अब इसने क्या कहा? डिडंट यू वॉक, क्या तुम नहीं चले? देन यू वुड प्लान, कि जितना तुमने प्लान किया था उससे, उसके साथ में नहीं चले या उससे आगे नहीं चले जो आपने प्लान किया था, या उससे दूर नहीं चले या उससे अलग नहीं चले, क्या रहेगा? तुम नहीं चले जो तुमने प्लान किया था उससे आगे। मान लो उसने 5 किलोमीटर चलने का प्लान किया और वो उससे आगे नहीं चला, तो यही तो बोलेंगे, डिडंट यू वॉक फार्दर देन यू वुड प्लान, जो आपने प्लान किया था उससे आगे नहीं चले, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, इसमें भी बिल्कुल वही है ऑप्शंस का। ये देखिए, इसमें जो नॉन टीचिंग के जो पेपर होते हैं उसमें 40 नंबर की कह सकते हैं, 40 या 30 नंबर की, 40 की आती है आई थिंक, ठीक है, 40 या 35 जो भी है, ओके। तो इतने नंबर की इंग्लिश जो है देखने को मिलती है, आई थिंक 40 ही थी, जे जे में 40 ही थी, क्योंकि हिंदी वगैरह इसमें नहीं पूछा जाता है। तो इस 40 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन तो लगभग लगभग यही आपके फिल इन द ब्लैंक्स या इंप्रूवमेंट के मिलेंगे। उसके बाद फिर 20 क्वेश्चनों में आपको इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर जो टीचिंग वगैरह एग्जाम होगा उसमें तो 15 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको एक एक दो दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से आगे, दो वर्ड वन वर्ड से सब्स्टिट्यूशन से आगे, दो सेंटेंस अरेंजमेंट के आगे, दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आगे, इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, इट्स डैश 10 miles फ्रॉम हेयर टू द सिटी, ओके। इट्स डैश 10 miles मतलब बात हो रही है कि जो भी चीज है वो शहर से कितनी दूर है, 10 मील दूर है, तो क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट कहेंगे कि वो शहर से क्या है, लगभग 10 दूर है, लगभग 10 मील दूर है। जब भी दूरी की बात आ रही है तो हम क्या लगाएंगे? लगभग जब भी आएगा सेंस में ऑलमोस्ट आ जाएगा, तो इट्स ऑलमोस्ट 10 माइल फ्रॉम हेयर टू द सिटी, ठीक है। चलिए ओके, दैट्स द डैश ब्यूटीफुल केक आई एवर सॉ। वेरी वेरी मीन्स बहुत बहुत कुछ, वेरी ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, दैट्स द वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर केक है, नहीं सुन, ये नहीं हो जाएगा, ऑल तो साथ में होता है, सभी होता है, तो ये भी नहीं रहेगा, ऑल सभी होता है ना, तो ऑल ब्यूटीफुल नहीं, मोर ब्यूटीफुल नहीं, मोर होता है और अधिक, ठीक है। तो यहाँ भी यूज़ करेंगे, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल केक आई एवर सॉ, वेरी नहीं आएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल केक आएगा, ठीक। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ही पुअर मैन कांट हियर वेल, कि यह बेचारा जो है क्या नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, कैसे कैसे नहीं सुन सकता, वेल मतलब अच्छे से नहीं सुन सकता, लाउड मतलब जोर से नहीं सुन सकता, अलाउड भी वही हो जाएगा, और हश्ड होता है शांत से नहीं सुन सकता। बताओ यह बेचारा नहीं सुन सकता, कैसे अच्छे से नहीं सुन सकता, जोर से नहीं सुन सकता थोड़ी कहेंगे, अच्छे से नहीं सुन सकता, यही तो बोलेंगे, ही पुअर मैन कांट हियर वेल, ठीक है, तो वेल आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, There are 4-5 people who have been injured in the explosion. क्या कह रहा है कि विस्फोट में 4-5 लोग जो हैं घायल हुए हैं। Chance मतलब मौका, मौका थोड़ी हम कहेंगे there are 4-5 मौका मतलब explosion में मौका मिला और वो हो गई, नहीं होगा। Possibly एक तो possible और एक possibly है, possible होता है संभव, कोई चीज़ जब possible होती है, और एक होता है possibly जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संभवतः, संभवतः, ठीक है, और प्रेजेंटली तो देखो वर्तमान में होता है, ठीक है। तो देयर आर 4 possibly 5 मतलब 4 या फिर संभवतः 5, ठीक है, या तो 4 थे या तो 5 थे, ठीक है, ये बोला इसने। तो विस्फोट में 4-5 लोग जो हैं घायल हुए हैं, तो पॉसिबली यहाँ पे राइट रहेगा, संभवतः या तो 4 हैं या संभवतः 5 ज्यादा से ज्यादा, ठीक, तो वो हो जाएगा पॉसिबली। चलिए अगेन ग्रामेटिकल करेक्ट बताना है, गिविंग मेडिसिन टू माई कैट इज नो इजियर फिट्स, फिट्स मतलब आसान काम कह सकते हैं कि मेरी बिल्ली को जो है दवा देना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो देखो इजियर तो
इजियर फिट्स की जगह क्या आएगा, कैट इज नो इजी फिट आएगा, इजी फिट, ठीक है, इजी फिट आएगा इजियर फिट्स की जगह पे, तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। चलिए, यू कैन लीव योर कोट्स ओवर देयर, ओके, देखिए यहां पे देखना है कि यू कैन लीव योर कोट्स, क्या आप अपना कोट जो है यहां छोड़ सकते हैं, वहां छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यू कैन लीव रखेंगे, यू मे लीव, मे तो देखो नहीं आएगा, लेफ्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, कैन लीव्स भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है कि कैन के साथ जो है सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू कैन लीव योर कोट्स ओवर देयर, ठीक है, लेफ्ट नहीं आएगा, ऐसे नहीं लगेगा, ठीक, तो कैन लीव बिल्कुल ठीक है, तो नो इम्प्रूव, मे लीव तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक। शी हैज डैश अराइव्ड, शी हैज डैश अराइव्ड, तो क्या आएगा, शी हैज फाइनली, अंत में जो है वो क्या होगी, पहुंच गई, शी हैज फाइनली अराइव्ड, फाइनेस नहीं, फाइनल नहीं, अल्टीमेट अराइव नहीं, शी हैज फाइनली अराइव्ड, सिंपल आप अगर आप बोल के देखेंगे तो भी आप लगा ही सकते हैं आंसर। ओके, बियॉन्ड द विलेज ले फॉरेस्ट, यहां पे क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द विलेज ले द फॉरेस्ट, बियॉन्ड द विलेज ले द फॉरेस्ट जो है यहां पे राइट आंसर रहेगा। ओके, अब देखिए, ही एक्सेप्टेड एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन डैश बेसबॉल एंड द आर्टिकल, देखिए कोई आर्टिकल, क्योंकि ये आपको याद रखना है किसी भी स्पोर्ट्स के साथ हम जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के साथ जो है आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, तो नो आर्टिकल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि कभी भी आपको अगर स्पोर्ट्स का दिखता है, देखो कुछ सिचुएशन में होता है जहाँ पे हम लगाते हैं, पर्टिकुलर जब हम उसकी बात करते हैं ना, किसी क्रिकेट, मान लीजिए क्रिकेट वगैरह की बात करें तो समटाइम द क्रिकेट यूज कर लिया जाता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि स्पोर्ट्स के साथ जो है इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, जैसे ही, जैसे एक मान लो मैंने लिखा ही प्लेज टेनिस, ही प्लेज टेनिस, और एक लिखा ही प्लेज द टेनिस, तो ये द टेनिस जो है ना ये गलत हो जाएगा, ही प्लेज टेनिस ठीक रहेगा, ठीक है, तो नो आर्टिकल करेक्ट होगा। ओके, डैश क्यूरियस थिंग्स हैपन टू मी यस्टरडे, द नहीं, अन एन नहीं, ए क्यूरियस थिंग, क कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड है, और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कॉन्सोनेंट आया है, ये है, तो ए आ रहेगा, ठीक। डैश मूवी वॉज गुड बट नॉट एक्सेप्शनल, अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है ना, कि जो वो मूवी है वो गुड है बट नॉट एक्सेप्शनल, तो द मूवी वॉज गुड, पर्टिकुलर चीज की जब भी बात होगी तो द आएगा, तो द मूवी वॉज गुड बट नॉट एक्सेप्शनल, ठीक है। ओके, अगेन देखिए यहाँ पे है इम्प्रूवमेंट करना है, क्या आएगा, एन एड्रेसिंग मशीन फैसिलिटेट हैंडलिंग ऑफ बल्क ईमेल, तो यहाँ पे द हैंडलिंग आएगा, फैसिलिटेट द हैंडलिंग ऑफ बल्क मेल, बस ये जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हमको करनी थी, ठीक है। द ग्रीजी बियर वॉज स्किल एट कैचिंग सेलमन, ग्रीजी बियर वॉज स्किल, निपुण था इसमें, इसका मतलब क्या था कि जो ग्रीजली है वो भालू समान मछली को जो है पकड़ने में क्या है, निपुण है, निपुण की बजाय क्या होना था, वॉज स्किल्ड, कुशल, मतलब स्किल्ड आना था, वॉज स्किल नहीं रहेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म वॉज आ गया है, तो देखो वॉज के बाद हम स्किल थोड़ी यूज करेंगे, स्किल्ड आएगा ना, सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, तो वॉज स्किल्ड होएगा, ठीक, तो निपुण था या कुशल था वो आप कह सकते हैं इसमें। ओके, ड्यू टू डैश ब्रेन डैमेज हिज स्पीच वॉज डिफेक्टिव, ओके, अगर कहीं पर भी आपको फ्रेज ड्यू टू दिखता है तो उसके साथ जो है हम नो आर्टिकल यूज होगा, ठीक है, मतलब कोई भी आर्टिकल हम उसमें नहीं लगाएंगे, तो ड्यू टू ब्रेन डैमेज आएगा, कोई आर्टिकल लगाने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, तो याद रखना आपको स्पोर्ट्स के आगे भी जो है दा नहीं आए, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और ड्यू टू अगर आ जाता है तो उसके साथ भी जो है फिर आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपने और जैसे पढ़ेंगे ना ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जब भी हम कुछ बात करते हैं किसी चीज़ के उसके बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, नो आर्टिकल यूज़ हुए, ठीक। चलिए, ओके, चलिए ये 20 क्वेश्चन आपने देख लिए, अब इसी में, इसी पेपर के 20 क्वेश्चन और हैं जिसमें वन वर्ड और idiom पूछे गए। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए फियर ऑफ बुक्स, बुक्स से जो डर लगता है उसको क्या टर्म दी गई है, बिबिलोफोबिया,
देखो किसी चीज़ का जब फियर होता है ना, तो उसके पीछे एक वर्ड जुड़ जाता है, फोबिया। फिर ये अलग अलग तरीके का डर होता है। जैसे सबसे पहले एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ पीपल। फियर ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ बुक्स क्या हो गया? बिबिलोफोबिया हो गया, ये याद रखना है। एक निक्टोफोबिया है। फिर निक्टोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ, इरेशनल फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से या रात को जो डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया कहते हैं। ड्रोमोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट, मतलब गली को पार करने में जो डर लगता है उसको ड्रोमोफोबिया बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो बिबिलोफोबिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है इसने, ही एंटर्ड, एंटर्ड पास में चल रहा है, ही एंटर्ड द डाइनिंग रूम वेयर जैक स्टूड पॉलिशिंग सिल्वर एंड मारिया मेड अप ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट्स। सब कुछ देखिए पास में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए। इडियम फ्रेज है टू मेक ए हैश ऑफ, टू मेक ए हैश ऑफ। मेक हैश ऑफ का मतलब क्या होता है? टू ड्यून समथिंग, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी गलतियां करना। तो टू डू समथिंग वेरी बैडली मीन्स जो भी आपने काम किया उसको क्या कर देना? रियून कर देना। ठीक है, बाय मेकिंग मेनी मिस्टेक्स। ठीक, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, इडियम फ्रेज है टीचर्स ऑफन यूज द प्रोमिस ऑफ रिवार्ड, कि टीचर्स जो है यूज करते हैं क्या? रिवार्ड देने का प्रोमिस और साथ में थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू ऑब्टेन गुड रिजल्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से गुड रिजल्ट पाने के लिए। तो इसके लिए द प्रोमिस ऑफ रिवॉर्ड एंड द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, इसके लिए कौन सी हम इडियम फ्रेज का यूज करेंगे? तो इसके लिए होती है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट देखो एज अ रिवॉर्ड यूज होगी और पनिशमेंट के लिए स्टिक अप्रोच होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो इडियम यूज होगी वो हो जाएगी कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ठीक है, ओके, अब देखिए स्टिक टू वंस गन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टिक टू वंस वन गन्स क्या है? कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देना, रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज मीन्स कोई ओपिनियन है आपकी और आपको कोई उस ओपिनियन को बदलने के लिए बोले तो आप क्या करोगे? उसको आप नहीं बदलना चाहते, आप रिफ्यूज कर देते हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वहां पे। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्टिक टू वंस गन, मतलब अपनी ओपिनियन पे खड़े रहना, अपनी ओपिनियन पे स्टैंड रहना। ठीक है, स्टिक टू वंस गन। ओके, इन नॉच अबव, इन नॉच अबव का मतलब क्या होता है? हायर क्वालिटी या कुछ बड़ा अचीव कर लेना, इन नॉच अबव आप इसको बोल सकते हो, टू अचीव समथिंग। ठीक है, ये नॉच अबव हो जाएगा। चेंज द ट्यून, चेंज द ट्यून का मतलब क्या होगा? टू चेंज योर ओपिनियन कंप्लीटली। ठीक है, चेंज द ट्यून मतलब अपनी जो भी ओपिनियन है उसको कंप्लीटली चेंज करना, लेकिन किस उसमें? जब आपको पता हो कि वहां पे ये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए, एडवांटेज के लिए अपनी ओपिनियंस को चेंज करना, इसको बोलेंगे हम चेंज द ट्यून। ठीक, तो ये मैंने चारों मीनिंग आपको बता दिए हैं। चलिए अगला देखिए, अगेन वन वर्ड है, फियर ऑफ वर्ड्स और ऑफ टॉकिंग, मतलब वर्ड्स से डर लगना या बात करने से जो डर लगता है उसको बोलते हैं लोगोफोबिया। क्या बोला जाएगा उसको? लोगोफोबिया। अब नेक्रोफोबिया क्या होता है? नेक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ। इसको हम क्या बोलते हैं? फियर ऑफ डेथ, मरने से जिसको डर लगे वो उसको कौन सा फोबिया हो जाएगा? नेक्रोफोबिया। जीनोफोबिया क्या होता है? फियर कह लो या हेटर कह लो, किसके हेटर? जो फॉरेन पीपल से हेट करे या फॉरेन कल्चर से हेट करे, कल्चर से हेट करे, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोफोबिया। फियर भी हो सकता है, हेटर्ड भी हो सकता है इस चीज का। ठीक है, तो वो जीनोफोबिया। अब आता है क्लिप्टोफोबिया। क्या होता है? क्लिप्टोफोबिया। अब यहाँ पे दो टर्म यूज होते हैं, एक ये क्लिप्टोफोबिया है, एक ऐसे यूज करते हैं क्लिप्टोफोबिया। अब इन दोनों का मतलब क्या है? ओके, देखिए ये क्लिप्टोफोबिया होता है कि कोई हमसे कोई चीज चुरा ले। ठीक है, कोई हमसे जब कोई चीज चुराता है या हमें लूटता है, रोब करता है, तो वो क्लिप्टोफोबिया है। ये क्लिप्टोफोबिया है जब आदमी को डर हो कि मैं जो है किसी से क्या कर लूंगा, कुछ चुरा लूंगा। ठीक है, फियर ऑफ स्टीलिंग,
फियर ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम समवन एल्स, किसी और से जब चुराऊंगा। और यहां पे क्या रहेगा, फियर ऑफ बीइंग स्टोलन, फियर ऑफ बीइंग स्टोलन फ्रॉम और रॉब्ड। तो ये क्लिट ऑफ ऑडियो आ गया, दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ए प्लेस वेयर प्लेट डिशेस पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, जहां पे ये चीजें जो है क्या की जाती है, वॉश की जाती है, धोई जाती हैं, ये कह सकते हैं। तो उसके लिए वर्ड होता है स्कलरे, स्कलरे जो है यहाँ जहाँ पे बर्तन वगैरह जो है मांजे जाते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है, इस वर्ड को। ओके, अब फर्स्ट है डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री क्या, डॉर्मेट्री डॉमेट्री बोलेंगे, डॉमेट्री इसको, डॉमेट्री। ओके, डॉमेट्री क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूल्स में जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होता है और जहाँ पे बहुत सारे बेड्स जो है लगा दिए जाते हैं उसको बोला जाता है डॉर्मेट्री, ठीक है। ए लार्ज बेडरूम, कई बार ये भी करके पूछ लिया जाता है, ए लार्ज बेडरूम विद ए नंबर ऑफ बेड्स इन इट स्पेशली इन ए स्कूल इज कॉल्ड, उसके लिए भी पूछ सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, डॉर्मेट्री हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगला देखिए, अगला जो वर्ड है मैनीग्रे, अगला जो वर्ड है वो है मैनीग्रे, इसका मतलब क्या होता है, जंगली पशुओं के लिए जो जंगली पशुओं के संग्रहण के लिए जो पिंजरे बनाए जाते हैं ना, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, क्या कह सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल कैप्ट इन कैप्टिविटी, ठीक है, कैप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, ठीक है, उनको संरक्षण करने के लिए उसका संग्रह किया जाता है दिखाने के लिए, उसको हम मैनीग्रे बोलते हैं। ओके, स्कलरे मैंने आपको बता दिया, उसके बाद लास्ट है सिनेग, सिनेग क्या होता है, सिनेग जो है जो यहूदी होते हैं वो जहां पे क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, उपासना करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेग कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हमें जाना हो तो हम कहां जाएंगे, मंदिर में, मंदिर में जाएंगे ना प्रार्थना करने के लिए, ऐसे ही जो यहूदी होते हैं वो कहां जाते हैं, सिनेग में, मतलब यहूदियों की उपासना करने की जगह, प्रेयर करने की जो जगह होती है उसको सिनेग बोला जाता है, ठीक। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अब बताना है इसमें अंडरलाइन वर्ड को जो, अच्छा ओके, इडियम फ्रेज है, देयर इज नो डाउट दैट शी फील्स एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक, क्या फील्स करिए, एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक, इसके लिए हमें जो है यूज करनी है इडियम, व्हेन एवर शी सीज हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो गेट ए बज जो है याद हो राइट आंसर हो जाएगा, गेट ए बज का मतलब होता है टू गेट ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एनर्जी एंड प्लेजर आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, तो गेट ए बज जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल इन योर हेड क्या होता है, ओके, ऑल इन योर हेड मतलब कोई चीज रियल में नहीं है लेकिन आपके दिमाग में पक रही है, कल्पना जिस चीज की हम कर लेते हैं, है नहीं वो रियल में लेकिन हमने मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव इमेजिन्ड इट एंड इट इज नॉट रियल, तो वो हो जाएगा ऑल इन योर हेड। सेविंग फॉर ए रेनी डे, सेविंग फॉर ए रेनी डे मीन्स फ्यूचर के लिए कुछ चीजों को सेव करके रखना, ठीक है, फ्यूचर के लिए चीजों को सेव करके रखना, अकाउंट बैलेंस हो या कुछ और जो भी क्या बोलते हैं उनको, जो भी है सेविंग करके रख लेना, फ्यूचर के लिए कुछ चीजें संभाल के रख लेना, वो हो जाएगा सेविंग फॉर ए रेनी डे, ठीक है। ओके, ब्रेक ए लैग, ब्रेक ए लैग का मतलब होता है गुड लक, ये मोस्टली हम यूज करते हैं जब एक्टर्स वगैरह स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, या स्कूल में आप कह सकते हैं स्कूल में कोई फंक्शन है उसके लिए कोई परफॉर्म करने जा रहा है आपका जो भी है अपना, ठीक है, वहां पे हम इस टर्म को यूज करते हैं, ब्रेक ए लैग, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, मतलब गुड लक, ठीक है, गुड लक करने के लिए जो हम ब्रेक ए लैग का यूज करते हैं, ठीक। ओके, चलिए अगला देखिए, द पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम आर्ट कलेक्शन, कोई पर्सन जिसके पास चार्ज है म्यूजियम का, आर्ट कलेक्शन का, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, क्यूरेटर, उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, क्यूरेटर। कमेंटेटर क्या होता है, कमेंटेटर सबको पता होगा, क्रिकेट मैच सब देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो मैच की कमेंट्री करता है, मैच में जो भी चल रहा है वो जो बोलता है वो कौन है, कमेंटेटर है, ठीक। तो कमेंटेटर क्या होता है, ए पर्सन हु कमेंट्स ऑन समथिंग, या कोई ओपिनियन दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, वो चाहे रेडियो पे दे रहा है, चाहे आप टेलीविजन पे दे रहा है, न्यूज़पेपर में दे रहा है, वो सब क्या है, कमेंटेटर हो जाएंगे, ठीक है। कार्टोग्राफर क्या होता है, क्यूरेटर, देखिए क्यूरेटर होता है संग्रहालय, जो म्यूजियम होता है उसके अध्यक्ष को बोला जाता है, तो क्यूरेटर मतलब संग्रहालय का अध्यक्ष, ठीक है। कार्टोग्राफर क्या होता है, जो पर्सन ड्रॉ करता है क्या, मैप्स, मैप्स को ड्रा करने वाला या मैप्स को बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, कार्टो भी नहीं होगा, कार्टोग्राफर होगा। ओके, आगे देखिए, पॉपर,
पोपर क्या होता है? पोपर होता है ए वेरी पुअर पर्सन, ए वेरी पुअर पर्सन। पुअर पर्सन मतलब जो कंगाल हो, दरिद्र हो, गरीब हो, उसको बोलते हैं पोपर। ठीक है, चलिए। ओके, अगेन इडियम फ्रेज है लिली वाइट। लिली वाइट होता है कोई प्योर चीज़ जो कि अनटच्ड हो बाय करप्शन, इम्परफेक्शन से। ठीक है, मतलब जो प्योर हो रही होगी बिल्कुल, तो प्योरली वाइट हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। ना तो वो पेल कलर है, ना डल वाइट, ना येलो, प्योरली वाइट है वो। ठीक है, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं है। चलिए, ओके, idiom phrase again, after years of hard work his efforts have finally started to show positive results। मतलब बहुत साल के हार्ड वर्क के बाद जो उसका एफर्ट्स है उसने फाइनली क्या दिखाया है, पॉजिटिव रिजल्ट जो है दिखाया है। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? जिस चीज में कोई आपका निहित स्वार्थ जब जुड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेस्टेड इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इन नोट अब मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट, ठीक है, या सुपीरियर कह सकते हैं, हाई क्वालिटी कह सकते हैं, तो वो इन नोचबज हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगी। पुल योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है, पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब अपनी जो भी फीलिंग्स होती हैं उन पर कंट्रोल करना और बिहेव करना इन ए काम वे, ये क्या हो जाएगा, पुल योर सेल्फ टुगेदर। बियर फ्रूट क्या होता है? बियर फ्रूट, बियर फ्रूट का मतलब होता है सक्सेसफुल एंड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, इट इज सक्सेसफुल एंड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। तो यही है चीज, बियर फ्रूट इसका मतलब यही हो जाएगा, शो पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक, ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है। द सन वॉज बीटिंग डाउन मर्सीलेसली एंड देर वॉज एन अर्ग इन द एयर एंड ओवर पावरिंग सेंस ऑफ ग्रोथ। तो सही है, पास में था, पास में ही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इंप्रूवमेंट होगा। देखिए, द टू ब्रदर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आर ऑलवेज टूगेदर, आर ऑलवेज टूगेदर। दो ब्रदर्स हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं और साथ में हैं। ठीक है, लाइक टू पीस इन ए पॉड, लाइक टू पीस इन ए पॉड का मतलब क्या होता है, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, या क्या रहे, बियरिंग ए क्लोज रिजेम्बलेंस। ठीक है, ओके, तो इसके लिए ये वर्ड यूज हो जाएगा। ओके, स्टैंड वंस आर, स्टैंड वंस ग्राउंड, ओके, स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब क्या है, किसी चीज को कोई बंदा फॉलो कर रहा है, चाहे बेशक अदर पीपल जो है उसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ओपिनियन पर डटा हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा स्टैंड वंस ग्राउंड। थ्रो द स्पॉन्ज, थ्रो द स्पॉन्ज होता है मतलब गिव अप कर देना, क्या कर देना, गिव अप कर देना। ठीक है, हार मान लेना कह सकते हैं, एक्नोलेज डिफिट कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, एक्नोलेज डिफिट, हार मान लेना। ठीक, ये हो जाएगा थ्रू द स्पॉन्ज गिव अप कर देना। अंडर द वेदर क्या है? अंडर द वेदर मतलब अनवेल, या कह लो लो स्पिरिट हो, उसको बोलेंगे हम अंडर द वेदर। ठीक, चलिए जी, अगले देखिए, द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ की यहाँ पे बात हो रही है। एनिमल्स के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, जूलॉजी में, जू, जू में क्या होते हैं, एनिमल्स ही तो होते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी हो जाएगा। बोटनी, बोटनी किससे रिलेटेड हो जाएगी, वनस्पति, जो पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ते हैं वो हो जाएगा बोटनी, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जीमोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, और उसका यूज़ कहाँ पे होता है फर्मेंटेशन का, वो होती है जीमोलॉजी, एन अप्लाइड साइंस दैट स्टडी द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड इट्स प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, तो ये याद रखना है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में जहाँ पे पढ़ेंगे। एनेटोमी क्या होता है, एनेटोमी क्या होता है, जहाँ पे हम जो लिविंग थिंग्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो कहलाती है एनाटोमी। जैसे मान लो मानव शरीर है, ठीक है, उसकी चीज़ों के बारे में हम जब पढ़ेंगे, ठीक, तो ये किस उसमें आएगा, एनाटोमी में आएगा, लिविंग थिंग्स है ना। ठीक है, मतलब एक बॉडी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ होती है एक स्ट्रक्चर में, ठीक, वो सारी जब हम चेंज करें, वो पढ़ेंगे, तो उसको बोला जाता है एनाटोमी। ठीक, चलिए, अगेन इडियम फ्रेज है टू मेक नो ऑड्स, टू मेक नो ऑड्स मतलब कोई चीज़ क्या करें, जहाँ पे आप किसी चीज़ में कोई डिफरेंस ना देख पाए। ठीक है,
टू नो मतलब नोट चेंजेस सिचुएशन और रिजल्ट, मतलब कोई चीज़ जो पहले थी वो एज इट इज है, उसमें कोई चाहे वो सिचुएशन है चाहे वो आपका रिजल्ट है, कोई चेंज जब आप नहीं देख पाते टू टू मेक नो ऑड्स, तो मतलब टू मेक नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये हो जाएगा। ओके चलिए, शी कैन नॉट हैड रीड द लेटर एट शी डिड नॉट इवन नो इट हैड अराइव्ड। ओके देखिए, अब शी के साथ हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, शी के साथ हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैन कब यूज कर रहे हैं और कुड कब यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें किसी की स्किल्स बतानी है, किसी की स्किल्स बतानी है तो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे शी कैन सिंग ए क्लासिकल सॉन्ग, शी कैन डांस, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, बट जहाँ पर हम किसी की क्या बता रहे हैं, योग्यताएं बता रहे हैं, और वो भी किसी के पास्ट से रिलेटेड जब चीज़ें होती है, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। तो शी कुड नॉट हैव रीड द लेटर एज शी डिड नॉट इवन नो इट हैड अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुड नॉट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैन नहीं आएगा, योग्यता के संदर्भ में जब भी बात आएगी कुड आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए अगला देखिए। द कंट्री रिक्वायर्स ए मिनिमम वेज, द कंट्री रिक्वायर्स ए मिनिमम वेज बिकॉज वर्कर्स पेड बिलो द पॉवर्टी लाइन हैव एन एडिड कॉस्ट टू सोसाइटी। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, हैव एन एडिड कॉस्ट, मतलब हैव जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आया, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे द कंट्री रिक्वायर्स ए प्रेजेंट में ही बात जो है चल रही है, तो नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, हेड नहीं आएगा। ठीक है, ओके, इडियम फ्रेज है हिज ग्रैंड चिल्ड्रन मेड हिम मोर एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। ओके, मेड हिम मोर एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, इसके लिए क्या यूज करेंगे, गेव ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब जहां पे बंदा ये सोचे कि उसने जो है अपने पास्ट से ज्यादा अचीव कर लिया है, वो ज्यादा और सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो मेड हिम मोर एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, गेव ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट है नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि नट एंड बोल्ट मीन्स किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर कोई चीज़ या क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकल फैक्ट्स अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग रेदर देन थ्योरीज और आइडियाज अबाउट इट, उसको बोलेंगे हम नट्स एंड बोल्ट। ओके, ऑफ ऑन द रोंग फुट मतलब किसी चीज़ की बुरी स्टार्टिंग होना, ठीक है, और वो भी कंप्लीटली रोंग वे में होना, तो दे मेक ए बैड स्टार्ट बाय डूइंग समथिंग इन कंप्लीट द रोंग वे, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट भी कर रहे हैं और कंप्लीटली रोंग वे में कर रहे हैं, तो ऑफ ऑन द रोंग फुट हो जाएगा। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन्स सडनली, मतलब कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सडनली हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, उसको बोलेंगे हम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, ओके, द साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ क्या हम कहते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस। ठीक है, कॉन्वेलेसेंट क्या होता है, कॉन्वेलेसेंट क्या हो जाएगा, कोई अच्छी चीज जब होती है उसको बोलेंगे हम, ठीक है, या आप कह लो मतलब अगर आप किसी इंजरी में हो और वहाँ से जब आप ठीक होके आते हैं, तो मतलब कोई चीज़ अच्छी होना कन्वेलेसेंट हो जाएगा, ये वाली चीज़ होगी। ओके, ये हमने पढ़ लिया, ज्यूरिस प्रूडेंस ये साइंस ऑफ लॉ हो जाएगा। इकोनोलॉजी क्या होता है, ओके, इकोनोलॉजी क्या होता है, सिंबोलिज्म के बारे में पढ़ना, या द इकोनोलॉजी क्या कह सकते हैं आपको, स्टडी ऑफ विजुअल इमेजरी एंड मतलब सिंबल्स वगैरह के बारे में जब, मतलब मोस्टली यही क्वेश्चन देखने को मिलता है, द साइंस ऑफ सिंबल्स कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, तो उसको हम इकोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, डेमोलॉजी क्या होता है, डेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, ह्यूमन पॉपुलेशंस के बारे में स्टडी करना, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है, इज कॉल्ड डेमोनोलॉजी, डेमोलॉजी नॉट डेमोनोलॉजी, डेमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखो, एक क्वेश्चन ये है जहाँ पे अरेंज करना था इनको, ठीक है, हाउएवर से नहीं शुरू होगा, ठीक, दा वगैरह से हो सकता है,
फिर हम अगर पढ़ेंगे इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड फ्यूल इज द लाइफ ब्लड ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन हीटिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसर। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है इससे ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? अब देखिए, हमें बता दिया कि हमारे मॉडर्न जो वर्ल्ड है, आधुनिक जो विश्व है, इसमें जो है फ्यूल क्या है, लाइफ ब्लड है ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी हम जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या हीटिंग के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। ठीक है, फ्यूल का होना ज़रूरी है, ये पूछा है इसने। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आ सकता है? However, the excessive use of fossil fuels such as gasoline, diesel has dire consequence for it. फिर इसने कहा कि मतलब देखो ज़रूरी तो है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ जो होगा फॉसिल फ्यूल्स का, चाहे वो गैसोलीन है, डीजल है, उसके क्या है, कॉन्सिक्वेंस भी है हमारी एनवायरमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आया? द बर्निंग ऑफ, अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बात थी, तो अगेन जिसमें फॉसिल फ्यूल्स आया वही आया है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ए कॉकटेल ऑफ पॉल्यूटेंट इन टू द एटमोसफियर इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, तो बी ए डी। उसके बाद दीज पोल्यूटेंट, अब यहाँ पे पोल्यूटेंट की बात हुई है, नाइट्रोजन एंड पर्टिकुलर मैटर्स पोल्यूटेंट की बात हो रही है, तो दीज पोल्यूटेंट कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब जो पोल्यूटेंट यहाँ पे बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पर्टिकुलर मैटर जो भी है, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पॉल्यूशन लीडिंग टू ए होस्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये हो जाएगा द अर्जेंट नीड टू सेव, मतलब जब सारी चीज़ें हो ली हैं तब जहाँ जो है, देखो पहले एक चीज़ के बारे में बताया, फिर उसकी क्या वो हो सकती कॉन्सिक्वेंस, क्या प्रॉब्लम दे सकता है। अब प्रॉब्लम जब पता होगी तभी हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो द अर्जेंट नीड टू सेव फ्यूल फॉर ए बेटर एनवायरमेंट हैज नेवर बीन मोर क्रिटिकल। ठीक है, तो बी ए डी ई सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं आते हैं तो चारों ऑप्शंस लेके चलिए कि क्या पहले पॉइंट पे मैं ये रख सकती हूँ। सिर्फ दो पॉइंट आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये वाला तो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ओके। ए फियर ऑफ हाई प्लेसेस, फियर ऑफ हाई प्लेसेस एक्रोफोबिया हो जाएगा, फियर ऑफ हाई प्लेसेस एक्रोफोबिया। ओके, अभी डेमोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ पीपल या फियर ऑफ, मतलब जो लोगों से डर लगे या जो भीड़ भाड़ वाली चीज़ों से जहाँ पे से डर लगे, तो फियर ऑफ क्राउड्स आप कह सकते हैं इसको, फियर ऑफ क्राउड्स। लोगोफोबिया ऊपर पढ़ चुके हैं, फियर ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है, या बात करने में, टॉक करने में जिसको डर लगता है वो भी लोगोफोबिया में ही जाएगा, जो कि ऊपर आ चुके हैं। गेमोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कमिटमेंट। अब कमिटमेंट किस में चाहिए, शादी में चाहिए या फियर ऑफ इसको क्या कर लो, मैरिज कह लो, दोनों में ही के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे गेमोफोबिया। अब आपसे फियर ऑफ कमिटमेंट भी पूछ सकता है, फियर ऑफ मैरिज भी पूछ सकता है, तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा? गेमोफोबिया। ठीक है, ओके, तो ये वाला एक पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसमें साथ में आई थिंक 40-45 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, क्योंकि 5 या 10 नंबर का इसमें वो भी पूछा गया था, पैसेज भी आया था। ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि पैसेज को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो ये दूसरे पेपर के शुरू हो गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कुछ इस तरीके से, द स्वेटर वॉज डेकोरेटेड विद स्मॉल नोट्स। देखो इनको करना ना बड़ा ईजी होता है, यहाँ पे ना एक में कोई वो दी गई होती है मिस्टेक वर्ड में। अब देखो स्वेटर, स्वेटर तीन में सेम है लेकिन फोर्थ में नहीं है, तो फोर्थ गलत हो गया, स्वेटर ऐसी नहीं होगी स्पेलिंग, ई ए टी ई आर जो है यहाँ पे रहेगा। वॉज भी सही है, डेकोरेटेड सब में सेम है, एक देखिए फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हट चुका है, स्मॉल भी ठीक है। अब देखिए नोट्स, नोट्स जब हम लिखते हैं तो के एन ओ टी एस लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ई एस लगा दिया गया है, तो ऑब्वियस है फर्स्ट वाला अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर आगे कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी में भी देखो इसमें मिस्टेक है, डी ए आर वाई है, यहाँ पे भी डी ए आर वाई, लेकिन होता क्या एम्ब्रॉयडरी में डी ई आर वाई होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक और इस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक का। जो टीचिंग वाले पेपर्स होते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी पीआरटी, वहाँ पे इस तरीके की स्पेलिंग एरर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं द स्ट्राइकर। अब स्ट्राइकर देखो कैसे लिखा जाएगा, सी के ई आर तो कभी नहीं होता है, बाकी तीन में ठीक है, तो ये गलत हो गया। द स्ट्राइकर हैज बीन ड्रॉप्ड, देखो अब ड्रॉप्ड में डबल पी ई डी लगा है, डबल पी ई डी लगा है और डबल पी डी सही है, आफ्टर ए। अब मीडियोकर में देखना, आपको मीडियोकर में आर ई होता है, ई आर नहीं होता है, तो ये वाला इसमें इसमें गलत हो गया, इसमें सही था मीडियोकर। तो परफॉर्मेंस में कोई गलती होगी, परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो एम ए एन सी ई होता है, ई एन सी ई नहीं होता है, इसीलिए लास्ट वाला भी गलत। तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए जी देखिए, आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ्स शी हैड टू डैश आउट द एक्सेस वाटर बिफोर हैंगिंग दैम टू ड्राई। रिंग, अब रिंग देखिए कौन सा है, रिंग ये वाला, ये वाला है, विंग या विंक, क्या जो है यहाँ पे सही रहने वाला है?
तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है इसमें, आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद जो है, शी हैड टू आउट द एक्सेस वाटर, मतलब कपड़ों को धोने के बाद जो है एक्सेस वाटर जो होता है, जो अतिरिक्त पानी जो है निकाल दिया जाता है, किस तरीके से, ठीक है, लटकाने मतलब उन्हें सुखाने से पहले, हैंग करने से पहले उनका अतिरिक्त पानी जो है वो निकाल देती है, कैसे निकालती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस रिंग का मतलब होता है मरोड़ कर, ठीक है, जो कपड़े होते हैं उन्हें हम इस तरीके से मरोड़ते हैं दोनों हाथों से पकड़कर, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें बोली गई है। तो रिंग जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये विंग अगर हम देखेंगे तो ये तो पंख की बात हो रही है थर्ड ऑप्शन में। रिंग आपको पता है रिंग क्या होती है, अंगूठी कह सकते हैं इसको, और विंग मीन्स प्लक, प्लक झपकाना कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रिंग रहेगा WRING, इसका मतलब होता है मरोड़ना, ठीक, तो ये करेक्ट होगा। चलिए इसमें देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई भी जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है वो बताना है। देखिए इसमें देखिए, द गेस्ट एक्सचेंज, गेस्ट एक्सचेंज तक जो है, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज की स्पेलिंग को मिस्टेक किया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ईडी जो है नहीं लगा, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। फिर प्रोसेक, तो इसमें देखिए ये वाली स्पेलिंग मिस्टेक है, रिमार्क्स एंड ग्लैंस्ड एट देयर वॉचेस, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सी गलत की है, फर्स्ट गलत हो गया, सेकेंड गलत हो गया, इसमें गेस्ट की स्पेलिंग को गलत किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये भी गलत, और फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ब्लैंक, द एंटरप्रीन्योर वॉज ईगर टू डैश हर हैंडमेड क्राफ्ट एट द लोकल मार्केट, ठीक है। सेल नहीं होता है, सेल अलग चीज हो जाती है। अब देखिए इसमें एक सेल ये होता है और एक सेल होता है। एंटरप्रीन्योर वॉज ईगर टू सेल, सेल मतलब बेचने के लिए, ठीक है, बेचने की बात हो रही है, तो ये वाला जो सेल होगा वो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो थ्रू, थ्रू की देखिए स्पेलिंग बिल्कुल सही, सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा, तो थ्रू बिल्कुल सही है, लाफ ऐसे ही लिखा जाता है, लाफ्ड, आइडिया भी सही है, रिडिकुलस की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो क्या स्पेलिंग जो है यहाँ पे होनी चाहिए थी, देखिए रेडिकुलस की जो स्पेलिंग होती है, रेडी नहीं होता, रिडिकुलस होता है, रिडिकुलस, RIDI होता है, ई नहीं होता है, बाकी अगर आप देखेंगे CULOUS, ये बिल्कुल सही है, और यहीं पर मिस्टेक थी, रिडिकुलस होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ब्लैंक, शी यूज्ड ए कप ऑफ डैश टू बेक ए डिलीशियस बैच ऑफ होममेड कुकीज, कुकीज को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, होममेड आटे की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आटा किसके लिए यूज होगा, फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है आटा, ठीक है। ये वाला जो फ्लोर है ये हम जिस तरीके से बोलते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये वाला फ्लोर हो जाएगा, फ्लावर अलग चीज हो जाएगी, फ्लो वैसे नहीं होगा, तो फ्लोर जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड अपार्ट फ्रॉम सुपरफिशियल, विट, ओके। तो यहाँ पे जो है एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है, एंटोनिम मीन्स अपोजिट बताना है उसका। क्वेश्चन में क्या है, अपार्ट फ्रॉम सुपरफिशियल कट्स एंड ब्रूसेस शी इज अनहर्ट, सुपरफिशियल क्या होता है, ऊपर ऊपर से जो कोई चीज़ होती है जो, ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं, मान लो कि मैं कहूँ कि इसको जो है अपने सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो सुपरफिशियल है, मींस उसको ऊपर ऊपर से सब पता है, इसके डीप में जो है इसको चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो डीप नहीं है, जो गहरा नहीं है, वो जो है हो जाएगा सुपरफिशियल, ठीक। तो इसका हमें अपोजिट बताना था, तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो बन जाएगा सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल क्या हो जाएगा, प्रचुर, उसमें अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में या लार्ज इन साइज जो होगा, तो वो इसके अपोजिट ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्जेंट ज़रूरी हो जाएगा, कंपेलिंग क्या होता है, कंपेलिंग होता है जो क्या क्या हो, सम्मोहक हो, प्रभावशाली कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, प्रभावशाली। बाइंड करना क्या होता है, बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब बंधन, बांधना किसी चीज़ को, बंधन या बांधना, ये बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनेनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट इज एक्सप्लोसिव. ओके, अब एक्सप्लोसिव का सिनेनम बताना है. एक्सप्लोसिव क्या होता है? विस्फोटक. अब इसके जैसा वर्ड क्या होगा? इनोसेंट, देखिए मासूमियत से रिलेटेड हो जाएगा, ये नहीं हुआ. इंजीरियस क्या होता है? इंजीरियस हो जाएगा हार्मफुल. ठीक है, ये नहीं जाएगा इसमें. एक्सप्लोसिव हार्मफुल ये नहीं होगा. मतलब इंजीरियस उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे ठीक है, तो ये हार्मफुल रहेगा. जैसे बोलते हैं ना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, यानी कि हानिकारक है, तो इस तरीके से. ओके, इरप्टिव क्या होता है? इरप्टिव होता है ज्वालामुखी. ज्वालामुखी, ठीक है, वोल्केनिक कह सकते हैं. तो एक्सप्लोसिव का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इरप्टिव. डिलीशियस क्या होता है? डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, टेस्टी कोई चीज़ जब होती है, यमी जो होती है, वो डिलीशियस हो जाएगा. चलिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. ही इज टू पार्शियल टू बी ए फेयर जज. पार्शियल क्या होता है? पार्शियल एक तो देखो पक्षपात पूर्ण भी होते हैं, ठीक है, या अधूरा कह सकते हैं आप. पार्शियल अनफिनिश्ड जो होता है, इम्परफेक्ट जो होता है वो हो जाएगा. ठीक, अब इन एक्शन क्या होता है? एक्शन मतलब कार्यवाही, तो ये तो नहीं होगा. ईज क्या होता है? ईज होता है कंफर्ट, रेस्ट, ये ईज हो जाएगा. और रेस्ट तो रेस्ट है ही. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है पर्पस, गोल, या कह लो एम. ठीक, तो इन इसका पार्शियल का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. रीअरेंज द गिवन सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. व्हाइल सम हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ नॉट टू हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड, इट्स हॉरर आर वेल नोन टू अस थ्रू मूवीज एंड रियल लाइफ अकाउंट्स. तो इस तरीके से क्यू आर पी एस जो है इसको अरेंज करना था, तो ये आप कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखिए. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक. गॉड सेव एंड प्रोटेक्ट आवर मोस्ट बेनिफिशियंट रूलर. एंड सेव एंड प्रोटेक्ट हो जाएगा, दो चीज़ के दो मतलब दो उसके बीच में आ रहा है, तो सेव एंड प्रोटेक्ट रहेगा. ठीक है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. 115th एनिवर्सरी ऑफ समथिंग. देखिए यहाँ पे है सेंटेनियल, ये क्या होता है? 100th एनिवर्सरी. ठीक है, ये क्या होती है? 100th एनिवर्सरी होती है. ओके, 115th एनिवर्सरी हो जाएगी सेस्क्विसेंशियन टेनियल, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा. ट्रीनियल क्या होती है? ट्रीनियल होता है हैपनिंग एवरी थ्री ईयर्स. हैपनिंग एवरी थ्री ईयर्स, जो तीन साल में होता है. और क्विनवेनियल क्या होता है? रिकरिंग अप एवरी फाइव ईयर्स, मतलब जो पाँच साल में होगा, हर साल पाँच साल में. ठीक है, एवरी फाइव ईयर्स. ओके, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड द प्रोडक्शन ट्रांसमिशन रिसेप्शन. ओके, इसकी जो स्टडी होती है साउंड वगैरह की, इसको बोलते हैं फोनेटिक्स. डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम एक तरीके की मेंटल स्टेट कह सकते हैं. ठीक है, विभ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति जो होती है उसको बोला जाता है डिलीरियम. कभी कभी आपने देखा होगा किसी को फीवर आता है तो वो जो है क्या करने लगता है? बोलने लगता है अपने आप से कुछ भी. ठीक है, बोलते हैं ना फिर कि जो फीवर है वो उसके दिमाग में चढ़ गया है, इस तरीके से बोला जाता है. तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिलीरियम बोलते हैं, विभ्रम की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है. लुनाटिक्स भी जो है ये मेंटल स्टेट से रिलेटेड, जो मेंटली इल होते हैं पर्सन, उनके लिए जो टर्म है रेफर की जाती है. ठीक है, जो कि क्या हो? मेंटली इल हो, फूलिश हो, डेंजरस हो, उनके लिए. फाइटोलॉजी क्या होती है? ये देखिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? प्लांट की. इसका सिनोनिम आप ले सकते हैं बोटनी. बोटनी में भी अब जो है वनस्पति विज्ञान होता है. ठीक है, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो फाइटोलॉजी सेम जो है यही होता है. ठीक है, तो फोनेटिक्स इसका करेक्ट आंसर होगा. देखिए नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर लुनाटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजेज. लुनाटिक्स, अभी हमने एक टर्म जो थी यहाँ पे पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था जो मेंटल इलनेस रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उनसे रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो उनको कहाँ पर रखा जाएगा? असाइलम में. ठीक, तो फोर्थ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा. अब बैरिक क्या होता है? बैरिक होती है छावनी कह सकते हैं, जहाँ पे जो सैनिक होते हैं, फौजी होते हैं, सोल्जर्स, वो रहते हैं. ठीक है, तो बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इन विच सोल्जर लिव्स.
ठीक है, सोल्जर। ओके, क्लॉक रूम क्या होता है? किसी बिल्डिंग में जब हम एंटर करते हैं तो एक रूम दिया गया होता है जहाँ पे हम अपना सामान वगैरह जो है छोड़ सकते हैं, चाहे आपके पास कोट वगैरह है, बैग है, ठीक है। तो किसी भी बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर जो एक कमरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोक रूम जो है बोलते हैं, ठीक। एले एले क्या होता है? एले होती है गली, एक भीड़ी जो गली होती है बिल्डिंग्स के बीच में कह लो, ठीक है। मान लो बिल्डिंग्स है बहुत बड़ी बड़ी, उनके बीच का जो एरिया होता है, भीड़ी जो गली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एले बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डू यू हैव डैश मोर क्वेश्चन, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एनी जो है यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। आई कैन नॉट रिमेंबर माई पासवर्ड, तो आई कैन नॉट रिमेंबर बिल्कुल सही है, रिमेंबर्स नहीं आएगा। देखो कैन के साथ हमने ये पहले भी पढ़ा है कि एस और या फिर जो सेकेंड फॉर्म है वो नहीं आएगी कैन जब आएगा, ठीक है। तो एस वाली भी नहीं आएगी, ई डी वाली फॉर्म भी नहीं आएगी और आई एन जी फॉर्म भी नहीं आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई कैन नॉट रिमेंबर माई पासवर्ड, ये बिल्कुल सही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना तो उसमें एस लगेगा, ना ई एस लगेगा, ना उसमें सेकेंड फॉर्म डी लगेगा, ना उसमें आई एन जी लगेगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई कैन नॉट रिमेंबर माई पासवर्ड हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ओके अगेन देखिए, ग्रामेटिकली करेक्ट ही पूछा है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो बतानी है। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी एन काइंड ऑफ लाइफ लेड बाई हर, ए लाइफ ऑफ वेल्थ एंड सोफेस्टिकेशन। ओके, टू सी एन काइंड, काइंड के साथ एन आ सकते हैं कभी, क्योंकि देखो वैसे भी अगर आप चेक करेंगे तो वोवल साउंड आ ही नहीं रही है, वैसे भी वोवल नहीं है और वोवल की साउंड भी नहीं आ रही है। काइंड है, काइंड का की साइन आवाज जो है आ रही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना था क्या आ सकता है। ही वॉज सरप्राइज टू सी द काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है, दा जो है यहाँ पे आना था ना कि एन। तो टू सी द काइंड ऑफ लाइफ लेड बाय हर, ए लाइफ ऑफ वेल्थ एंड सोफेस्टिकेशन। ओके चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। माई फ्रेंड्स डैश विजिट माई हाउस, तो ऑफन जो है यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो अक्सर मेरे घर आता है, ठीक है। तो ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। एनी टाइम मतलब वो किसी भी टाइम आ जाता है मेरे घर, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, ना ही क्वाइट आएगा ना एवर आएगा, ऑफन जो है बिल्कुल सही है। ओके, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा, ठीक है। ओके चलिए, ओके चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब देखो यहां पे सेंटेंस क्या दिया है, ए प्लेस वेहर एम्यूनिशन इज हिडन, तो क्या हो जाएगा? कैशे, कैशे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कैशे क्यों होगा? देखिए इसका मतलब क्या है, ए प्लेस वेहर एम्यूनिशन, एम्यूनिशन क्या होता है? जो गोला बारूद को छुपा कर रखने की जो जगह होती है उसको पूछा गया है। तो कैशे क्या होता है? देखो एक तो मेमोरी होती है कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी भी हम क्यों यूज़ करते हैं? स्टोर करने के लिए डाटा को। तो ऐसे ही कैशे जो वर्ड है ये भंडार के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो गोला बारूद जहाँ पर रखा जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? कैशे। ओके नेक्स्ट, प्रिमाइज है यहाँ पे। ओके प्रिमाइज क्या होता है? आइडिया और थ्योरी होती है जो कि किसी भी रीजनेबल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का क्या होती है? बेस होती है, उसी को प्रिमाइज कहा जाता है, ठीक है, वो प्रिमाइज हो जाएगा। एक और वर्ड यहाँ पे आपने देखा, हैंगर, हैंगर का मतलब देखो क्या होता है, हैंगर मीन्स क्या हो, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। हैंगर क्या होता है? जहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं उनको रखा जाता है, जो बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं उनको जहाँ पर रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। ओके और एक टर्म अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक है मिंट, मिंट क्या होता है?
ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पे जो सिक्के वगैरह होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं। ठीक है, तो कैसे, गोला बारूद रखने की जगह होगी। हैंगर हमने देख लिया, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेन्स को रखा जाता है वो क्या हो जाएगा, हैंगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ओके नेक्स्ट, हाँ ये रहा, ही इज अ डैश ऑनरेबल मेंबर ऑफ द टीम। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना ए आएगा या एन आएगा। अभी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो मैटर करती है। ऑनरेबल, होनरेबल नहीं बोला जाएगा, ऑनरेबल, ओ की साउंड आएगी, ओ ओ की साउंड आएगी, तो वोवल साउंड आ रही है तो एन आ जाएगा। ही इज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ द टीम। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, आई कुड जस्ट मेक आउट ए फिगर स्टैंडिंग इन द डोरवे। आर्टिकल का ही है, आई कुड जस्ट मेक आउट ए फिगर स्टैंडिंग इन द डोरवे, सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा। उसके बाद फिर से ग्रामेटिकली करेक्ट का ही है, सी एंटर्ड इन टू द रूम एंड सेट इन द लेदर अपहोल्स्टर्ड चेयर बिसाइड द डेस्क। एंटर्ड इन टू द रूम, इन टू द रूम नहीं आएगा, एंटर्ड द रूम जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, एंटर्ड द रूम एंड सेट इन टू नहीं आएगा, इसके साथ प्रीपोजिशन जो इन टू लगाइए ये नहीं आएगी, एंटर्ड द रूम एंड सेट जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई कांट वर्क विद ए सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट न्यूली प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो विद ए सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट, क्योंकि इक्विपमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ए नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा, वर्क विद द सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट, मतलब ए आर्टिकल का यूज की बजाय द का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, रवि ब्लैक आईज एंड वाइट लार्ज टीथ फ्लैश्ड ऑन द सनलाइट एज ही स्पोक। ब्लैक आईज एंड वाइट लार्ज टीथ, सही है, फ्लैश्ड ऑन द सनलाइट, नहीं सूर्य की रोशनी में आएगा ना, सनलाइट सूर्य की रोशनी पर नहीं होगा, इन द होगा, सूर्य की रोशनी में, इन द सनलाइट। ठीक है, तो ये ऑन नहीं आना था, इन आना था यहाँ पे, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सही सही है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो किस में है, पास्ट में है, और यहाँ पर भी पास्ट ही यूज हुआ है। ठीक, तो ये सही था। ओके, सी स्टेड विद अस टिल द फॉलोइंग आफ्टरनून, क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, सी स्टेड विद अस टिल द फॉलोइंग आफ्टरनून, मीन्स वह दोपहर तक क्या रही, हमारे साथ में रही। ठीक है, ऑलमोस्ट तो लगभग यूज करते हैं, ऑलमोस्ट के ऊपर हमने यूज किया था, ऑलमोस्ट 10 माइल। ठीक है, इस तरीके से अगेंस्ट विरुद्ध में होता है और लेटर बाद में होता है, तो ये रहेगा फॉलोइंग आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून के आगे, मतलब बाद तक जो है, आफ्टरनून के बाद तक जो है वह हमारे साथ में रही। ठीक है, अब आफ्टरनून के विरुद्ध में भी नहीं जाएगा, वो लेटर बाद में है, तो यहाँ पे फॉलोइंग रहेगा, टिल द फॉलोइंग आफ्टरनून। ठीक, ओके, उसके बाद ये पैराग्राफ की कुछ लाइंस दी गई हैं, इसको हमें अरेंज करना था, तो इसमें जो आंसर है वो ए सी बी डी है, यहीं से शुरुआत होगी। अर्थ क्लाइमेट प्ले ए पाइविटल रोल इन आवर डेली लाइव्स, द अर्थ एटमोस्फेयर रिएक्ट एज प्रोटेक्टिव शील्ड फिल्टरिंग हार्मफुल रेडिएशंस एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर। However, human activities have led to an increase in greenhouse gas emissions, resulting in climate change. Rising temperature, extreme weather event, and the melting of polar ice caps are just some of the consequences of this phenomenon. We must acknowledge our responsibility in climate change and strive to reduce our carbon footprint through initiatives such as using renewable energy source, reducing waste, and promoting sustainable transportation. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट रहेगा। हाउएवर से नहीं शुरू होगा, तो जहाँ पे ऑप्शन बी आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आप सी से देख सकते हैं, द अर्थ एटमोसफेयर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड, क्या यहाँ से शुरुआत होगी, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किससे जो है ज़्यादा सही है शुरुआत। ठीक है, थोड़ा सा आप उसको हिंदी में चेंज करके देख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, नो इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूवमेंट बतानी, ग्रामेटिकल करेक्ट का ये क्वेश्चन है कि जो बिगिन ईटिंग हिज सिरिल
विद ए सर्विंग स्पून ए श्योर साइन ही वॉन्टेड टू गेट अपॉन विद द डे एक्टिविटी। ठीक है, तो मतलब ये बताया कि जो ने अपना जो भी अनाज है सिरिल है वो एक चम्मच से खाना शुरू किया और ये संकेत था कि वो इसे अपनी उस गतिविधियों में क्या करना चाहता है, शामिल करना चाहता है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट अपॉन ना होके गेट ऑन आना था। ठीक है, गेट ऑन विद द डेज एक्टिविटीज, डेज एक्टिविटीज नॉट डे एक्टिविटीज, डेज एक्टिविटीज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। शी मेड ए इम्प्यूडेंट रिमार्क टू हर मैनेजर। तो मेड एन आएगा, इम्प्यूडेंट, यहाँ पे देखो आई साउंड भी वोवल की आ रही है और वोवल ही है तो ए ना होकर इम अ ई की साउंड है, तो इम्प्यूडेंट रिमार्क टू हर मैनेजर, एन इम्प्यूडेंट जो है सही होना था, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, एज एवरी वन इज टायर्ड वी मस्ट स्टॉप द एक्टिविटी फॉर द डे। इडियम फ्रेज है स्टॉप द एक्टिविटी, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉल इट ए डे। वेस्टेड इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, किसी चीज़ में जब हम इंटरेस्ट लेते हैं अपने फायदे के लिए जब, ठीक है, तो वो हो जाएगा बियर फ्रूट, हमने पढ़ा था जब सक्सेस मिलती है बहुत मेहनत के बाद तो बियर फ्रूट, उसके लिए वर्ड यूज हमने ऊपर किया था। पुल योर सेल्फ क्या था, पुल योर सेल्फ क्या था कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना और बिहेव करना इन्हें काम वे। ठीक है, ये तीनों जो है हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फोर्थ ये इसमें था स्टॉप द एक्टिविटी, तो कॉल इट ए डे हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ये भी अगेन idiom phrase है, मोबाइल फोन्स हैज revolutionized द वर्ल्ड, इट इज अनडाउटली ए ग्रेट इन्वेंशन। ए ग्रेट इन्वेंशन के लिए क्या रहेगी, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसके लिए सही हो जाएगी। ए नॉच अबव, हम ऊपर पढ़ चुके, जब हम कुछ अचीव करते हैं बड़ी चीज जब हमें मिलती है तो वो नॉच अबव। ठीक है, वेटिंग इन द विंग्स, वेटिंग इन द विंग्स का मतलब क्या होता है, क्या करना, मतलब किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना। ठीक है, रेडी एंड वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शंस। ठीक, तो वो हो जाएगा वेटिंग इन द विंग। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या है कि वो मास्टर नहीं है फिर भी उसे सब कुछ आता है। कह सकते हैं ए पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स बट इट इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी ऑफ देम, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकता है, ठीक है, बट वो उसका क्या है, एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट ना होने के बावजूद वो उसका क्या है, एक्सपर्ट है, मतलब उसमें वो माहिर है। मीन्स किसी चीज़ में मास्टर नहीं है वो, लेकिन उसके बावजूद उस काम में क्या है, वो मास्टर है, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। चलिए, द चिल्ड्रन ईगरली ग्रैब्ड स्टिक टू डैश एट द एम्बर्स। ओके, मतलब जो भी चिल्ड्रंस थे उन्होंने छड़ी को क्या किया, ग्रैब किया एट द एम्बर्स। एम्बर्स मतलब जो आग वगैरह चिंगारी लगाते हैं ना, तो उसके लिए होता है। पोक का मतलब होता है क्या करना, प्रहार करना कह सकते हैं एक तरीके से, कि उसने जो है उस छड़ी को पकड़ा और उसमें जो है अच्छे से उस पर जो भी आग थी उसमें जो है उसको डाल दिया या प्रहार जो है कर दिया। ठीक है, पुट कह सकते हैं, पुट पुट एट द एम्बर्स, मतलब उसने वो जो भी उसके हाथ में जो छड़ी थी वो उसमें आग में जो है वो डाल दी, चिंगारी है होता है एम्बर्स। ठीक है, पोक हो जाएगा। ओके, इफ़ यू एक्सपीरियंस स्पेशली ब्रूटल विंटर्स कंसिडर यूजिंग हीटेड मिटन्स। यहाँ पे करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था तो मिटन्स हो जाएगा। मिटन्स क्या होते हैं, मिटन्स होता है दस्ताने, मिटन्स क्या होता है, दस्ताने। इसमें जो देखिए अगर आप देखेंगे तो डबल एन आया है, तो डबल एन नहीं आएगा, सिंपल एन आएगा, एम आई डबल टी ई एन एस, इसका मतलब होता है दस्ताने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द idiom फ्रेज टू बिड वन वेलकम। टू बिड वन वेलकम मतलब टू रिसीव विद कॉर्डियल ग्रीटिंग, तो ग्लैडली एंड कॉर्डियली रिसीव्ड और एडमिटेड, सेकेंड ऑप्शन जो है भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, मोस्ट चिल्ड्रन आर कैप्रीशियस, कैप्रीशियस क्राइंग वन मोमेंट एंड डिलाइटेड द नेक्स्ट। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक मोमेंट पे रो रहे हैं और दूसरे पे जो है वो खुश हो जा रहे हैं, तो कैप्रीशियस देखियो क्या होता है, जो अपने बिहेव को एकदम से चेंज कर लेता है, तो इसका हमें सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मूडी। मूडी वही तो होता है, कभी एकदम से खुश हो रहा है, कभी एकदम से दुखी हो रहा है, ठीक है, या गुस्सा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मूडी होता है, तो कैप्रीशियस का सिनोनिम मूडी हो जाएगा। ठीक है, इग्नोरेंट क्या होता है, इग्नोरेंट होता है अज्ञानी, ठीक है, इरेशनल कह सकते हैं जिसको। इनएबिलिटी मतलब जिसमें योग्यता ना हो। ऑब्ट्यूस क्या होता है, मंद बुद्धि, ऑब्ट्यूस क्या होता है, मंद बुद्धि। ठीक,
सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग नहीं है. तो सब में चेक करेंगे द टीचर, देखो यहाँ पे टीचर की स्पेलिंग कैसे लिखी है, तो ये तो गलत हो गया. आंसर्ड में अगर हम देखें तो आंसर लिख के हमें ईडी जो है लगाना होता है, तो आंसर सही है, इसमें भी सही है. यहाँ पे देखिए आंसर की स्पेलिंग डब्ल्यू ई आर होता है, तो ये भी गलत हो गया. विद ए ब्रीफ, अब ब्रीफ में देखिए, ब्रीफ यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ब्रीफ इस तरीके से लिखा जाएगा, आई ई एफ होता है, ई आई एफ नहीं होता है. ठीक है, तो थर्ड भी गलत, तो ये वाला जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रीफ नॉट ऑफ असेंट. ठीक है, ओके. अगला देखिए, हैवी रेन इज कॉजिंग हैजर्डियस ड्यूरिंग ड्राइविंग कंडीशंस. हैवी रेन क्या है, खतरनाक है, किसके लिए, ड्राइविंग कंडीशंस में. ठीक है, जोखिम भरा है. ठीक, तो इसका एंटीनम बताना है, तो खतरनाक का एंटीनम क्या होगा, जो सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा, तो वो हो जाएगा. सर्कुशियस क्या होता है, देखिए सर्कल आ गया, सर्क ये देखेंगे इसमें रूट वर्ड अगर आप देखेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, राउंड, मतलब घुमावदार जब चीज़ होती है. सर्कुशियस मतलब घुमावदार. कोयलिंग, कोयल आपने देखी ना, मच्छर को भगाने के लिए जो कोयल होती है कुछ इस तरीके से होती है, तो उसमें भी तो क्या होते हैं, घुमावदार ही होती है वो भी, तो वो भी हो जाएगी. कॉन्वोल्यूटेड का क्या होता है, कॉन्वोल्यूटेड भी होता है लपेटा हुआ ही, मतलब लपेट रखा है ऐसे, जटिल, कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉन्वोल्यूटेड. तो सिक्योर जो है यहाँ पे सही होगा. उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. डिफाइंस, डिफाइंस क्या मतलब होता है, अखड़पन, जिद्दीपन जिसमें होता है, मैनर्स ना हो जिसमें, वो हो जाएगा. तो इसका एंटीनम बताना है, तो जिसमें मैनर्स ना हो, जो बातें ना मानता हो, जिद्दी हो, तो इसका क्या हो जाएगा, ओबीडियंस, जो आज्ञाकारी हो. ठीक है, इनसोलेंस भी क्या होता है, बदतमीजी ही होती है एक तरीके की. ठीक है, ओके, जो डिसरिस्पेक्टफुलनेस जिसके अंदर होती है. ठीक, मीन्स वही अक्कड़पन का सिनोनिम बोल सकते हैं आप इसको. टेनासिटी भी क्या होता है, दृढ़ता ही होती है. टेनासिटी क्या होती है, दृढ़ता, सॉलिडिटी. अनरूलीनेस क्या होता है, अनरूलीनेस अगेन वही अखड़ता, अखड़पन जिसमें होता है उसको बोलेंगे अनरूलीनेस, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा. तो ओबीडियंस जो है इसका एंटीनम होगा. नेक्स्ट है, शी डिसाइड टू वॉक अलोंग द सैंडी बीच विद हर फीट डैश. क्या उसने क्या कि डिसाइड किया, वॉक अलोंग द, जो सैंडी बीच है मतलब बीच के बीच जो होता है उसकी, उस पर चलना किस तरीके से, हर फीट नंगे पैर चलना, नंगे पैर जो है उसने चलना क्या किया, डिसाइड किया. अब नंगे पैर करने के लिए फीट क्या होने चाहिए, बेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. फीट बेयर मतलब नंगे पैर. ठीक है, चलिए, ओके. ये एक पैसेज इस तरीके से दिया था, इसको पढ़ना था, और पांच क्वेश्चंस इसमें पूछे गए. द एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हैज ए ट्रीमेंडियस इम्पैक्ट ऑन द, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है उसका क्या है, ट्रीमेंडियस इंपैक्ट पड़ा है किस पे, यंगर जनरेशन पर आएगा. ठीक है, तो ऑन द यंगर जनरेशन, ऑन द यंगर जनरेशंस डैश सिटीजन्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एडवर्टाइजमेंट एज सिटीजन आएगा, एट नहीं होगा, बाय नहीं, इन नहीं, एज सिटीजन्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एडवर्टाइजमेंट डैश बिकम ए पार्ट ऑफ द डेली लाइफ. इसमें देखिए क्या रहेगा, फिर देखिए एज था यहाँ पे, एज सिटीजन्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एडवर्टाइजमेंट्स प्लूरल में हैव बिकम, क्या रहेगा, हैव बिकम ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ यंगस्टर एंड दे हैव गॉट यूज्ड टू बींग बॉम्बार्डेड विद के साथ क्या जाएगा, बॉम्बार्डेड विद न्यूमरस एडवर्टीजमेंट ओवर द कोर्स ऑफ देयर डेज. ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा ये पैसेज दिया था जिसमें ये पांच क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक, चलिए आगे देखिए, टू स्टैंड ऑन वंस आउन फिट, टू स्टैंड ऑन वंस, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना, स्टैंड ऑन वन आउन फिट, अपने पैरों पर खड़ा होना है, मतलब ये कह सकते कि अपनी ओपिनियन को वो करना, मतलब स्टैंड ऑन वन आउन फिट मीन्स अपने पैरों पर खड़ा होना, मीन्स टू बी इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो ये हो जाएगा. ठीक है, ओके, चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड गैरिलस. तो गैरिलस ये वर्ड जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको लिखा कैसे जाएगा, GARRULOUS ये हो जाएगा. ठीक है, ओके, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. ओके, इसका सिनोनिम बताना है. अब ओरिजिनल क्या होता है, अब ओरिजिनल होता है जो क्या हो, प्राचीन हो, पुराना हो, मूल कह सकते हैं आप, जो क्या हो, देश का हो, मूल. ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा नेटिव. नेटिव क्या होता है, असली. ठीक है,
क्या हो जाएगा, असली या मूल निवासी कह सकते हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। रियल भी असली होता है बट ये मूल निवासी से रिलेटेड। एक्जोटिक और फॉरेन क्या हो जाएंगे, ये विदेशी हो जाएंगे। कोई भी विदेशी वस्तु एक्जोटिक फॉरेन कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगी विदेशी में। सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। देखिए वाटर स्कीइंग, स्कीइंग में डबल आई एन जी होता है तो ये गलत हो गया, ठीक है। वाटर स्कीइंग इज ए पॉपुलर एक्वेटिक, एक्वेटिक की स्पेलिंग देखिए इसमें क्या है, इसमें सही है। यहाँ पे पॉपुलर की स्पेलिंग गलत है, एल ई आर लगा हुआ है जबकि होता क्या है, एल ए आर होता है, ठीक। तो तीनों गलत हो जाएंगे, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे नो स्पेलिंग एरर इसमें है, ठीक है। चूज द इडियम फ्रेज दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुली। ही यूज्ड इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट इन हिज फेयर, सॉरी फेवर, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी इडियम फ्रेज यूज करेंगे, देखिए पुल योर सेल्फ टूगेदर, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बिहेव करना काम वे में, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना। बाइट द डस्ट मीन्स हार मान लेना कह सकते हैं, ठीक है, मतलब हार मान लेना से रिलेटेड हो जाएगा। बेयर फ्रूट हमने पढ़ा, सक्सेस जब मिलती है आफ्टर हार्ड वर्क, ठीक है, वो बेयर फ्रूट में आता है। तो पुल्ड ए फ्यू स्ट्रिंग जो है इसके लिए वर्ड यूज होगा, यूज इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट इन हिज फेयर, तो पुल्ड ए फ्यू स्ट्रिंग जो है इसके लिए सही हो जाएगा। ओके, मतलब आपके लिए पास जो है कुछ चीज़ पाने के लिए क्या है, आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट है, इन्फ्लुएंस है, जहाँ से आप जो है किसी से जो हेल्प है वो ले सकते हैं। तो फेवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन फेयर, उसके पास क्या है, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है ये। चलिए अगला देखिए, शी इज ए यूरोपियन, यू य की साउंड आ रही है तो ये तो वोवल साउंड हो जाएगी, ठीक है। तो यूरोपियन देखिए वोवल आया था यहाँ, सॉरी ये कॉन्सोनेंट साउंड आ जाएगी, ई क्या है वोवल है, बट यहाँ पे साउंड तो य की आ रही है ना, साउंड किसकी आ रही है, य की आ रही है, और ये किस में चला जाएगा, ये कॉन्सोनेंट में चला जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए यूरोपियन हु लिव्स इन एशिया, देखिए कभी भी कंट्री का नाम आए, कॉन्टिनेंट का नाम आए, ठीक है, किसी रिवर का नाम आए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो, इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, जीरो आर्टिकल यूज होता है, तो नो आर्टिकल जो है यहाँ पे सही होगा। किसी भी जॉब का नाम आए तो उसके साथ भी नहीं लगेगा, ओशियन सी रिवर कैनाल इन किसी के साथ भी जो है आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके देखिए, शी इज सफरिंग फ्रॉम ए रेयर डिजीज विच इज बियॉन्ड एनी कॉर, कि वो जो है क्या है, सफर कर रहा है रेयर डिजीज से, जो कि क्या है, मतलब उसका जो इलाज है वो उससे परे है, बियॉन्ड बियॉन्ड आता है परे, ठीक है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड के हाथों में है, न्यू के किसी नए के हाथों में है, तो इसको बोलेंगे नियोक्रेसी, क्या बोला जाएगा, नियोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, ऐसी सरकार, ऐसी मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड होती है बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। प्लूटोक्रेसी क्या होती है, प्लूटोक्रेसी अगर हिंदी में बोले तो धन तंत्र, ऐसी सरकार जो कि किससे चल रही है, वेल्थ से, ये स्पेलिंग बनी गया थी, ठीक है, वेल्दी वेल्दी होता है, एक मिनट, वेल्दी रहेगा, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, धन तंत्र बोलते हैं, जैसे ये डेमोक्रेसी है पीपल के द्वारा है तो लोकतंत्र हो गए। सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर जो भी, जो किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ, मतलब उसका किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं है, ठीक है, मतलब सब धर्मों को वो समान तरीके से देखेगा, उस वर्ड उसके लिए वर्ड यूज आया है सेक्युलर। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डैश बुक डिड यू बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी, देखिए अगर हिंदी में अगर हम देखें तो कौन सी बुक हमें जो है उसके यहाँ से लेनी है, लाइब्रेरी से बोरो करनी है, लेनी है, तो वेयर तो कहाँ होता है, हुज भी नहीं, वट क्या हो जाएगा, तो विच, कौन सी बुक, ठीक है, तो विच रहेगा। आगे देखिए, रीअरेंज करना है फॉलोइंग सेंटेंस को, तो सबसे पहले देखो हाउएवर से तो होगा ही नहीं, हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं जिसमें हाउएवर आया, तो हाउएवर से शुरू नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा, सम से नहीं, देयरफॉर से नहीं। फूड सिक्योरिटी इज ए मेजर कंसर्न फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन स्पेशली इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउएवर नॉट एवरी वन एग्री ऑन द बेस्ट वे टू अचीव द गोल, सम आर्ग्यू दैट फार्मिंग इज मोर सस्टेनेबल एंड एथिकल, वाइल अदर क्लेम दैट कन्वेंशनल फार्मिंग इज मोर एफिशियंट एंड प्रोडक्टिव, देयर फॉर कंज्यूमर फेस ए डिलेमा वेन चूजिंग वट काइंड ऑफ फूड टू बाय, ठीक है, तो डी ए बी सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके,
फ्रॉम द बिलो गिविंग ऑप्शंस चूज द वन विद करेक्ट स्पेलिंग. ओके, लिजन. लिजन यहाँ पे दिया है, तो लिजन की जो स्पेलिंग रहेगी एल आई ए आई एस ओ एन रहेगी. लिजन का मतलब क्या होता है? लिजन का मतलब होता है कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप, ठीक है, संबंध जो होता है, तो ये होता है. तो लिजन ये रही सही रहेगा, सही यहाँ पे, ठीक है. चलिए, रिप्लेस करना है यहाँ पे. प्रोवर्ब है द एम्प्लॉय वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन. मतलब डेडलाइन को मिस करने के बाद जो एम्प्लॉय है वो हॉट वाटर में है. अब डेडलाइन मिस करेंगे तो किस में आएंगे? ट्रबल में ही तो आएंगे, मुसीबत में फंसेंगे, ठीक है. तो टू बी इन ए डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, कंफर्टेबल तो होगी नहीं. जब कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम तक आपको कोई चीज़ पूरी करके देनी है तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन तो नहीं होगी, ठीक है. वो कैसी रहेगी? मुसीबत वाली सिचुएशन रहेगी आपके लिए, ठीक है. तो ट्रबलसम सिचुएशन. ओके, अगेन इसमें अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल से कोई भी जो है शुरू नहीं होगा तो सी ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा. हाउएवर से नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन कट हो जाएगा. अब दो ऑप्शन बचे हैं आपको, इन कॉन्ट्रास्ट सम पीपल रखे या लिविंग इन अ बिग सिटी हैज मेनी एडवांटेज सच एज एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, एंटरटेनमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज. हाउएवर लिविंग इन अ बिग सिटी ऑल्सो हैज सम ड्रॉबैक्स. पहले यहाँ पे बताया गया कि कुछ एडवांटेज हैं, फिर डिसएडवांटेज बताए गए, विच में अफेक्ट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब जब बता दिया कि एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, फिर फॉर एग्जाम्पल बताया, सम पीपल मे फाइंड द सिटी टू नॉइसी. मतलब डिसएडवांटेज बनाने के बाद वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि कुछ लोगों को जो है वो क्या लगता है, नॉइसी लगता है, क्राउडेड लगता है और पॉल्यूटेड लगता है. इन कॉन्ट्रास्ट सम पीपल प्रेफर टू लिव इन द कंट्री साइड वेयर दे कैन एंजॉय नेचर एंड ट्रांक्विलिटी. ठीक है, तो बी डी सी ए ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं इसको. ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स. ही इज अ प्रेसिडेंट की बात हो रही है, द आएगा, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द. अभी देखिए कंट्री के साथ नहीं आएगा, लेकिन किसी भी संघ का जब नाम होता है, जैसे यूरोपियन है, इसके साथ आएगा आर्टिकल. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए दिया, सिर्फ अमेरिका होता तो नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन यहां पे आएगा ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही रह जाएगा. चलिए आगे देखिए, द सेंटेंस बिलो हैज ए स्पेलिंग एरर, आइडेंटिफाई द वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन, चूज नो एरर इफ देयर इज नो. द कमिटी अनएनएमएसली, इसमें देखिए क्या है बोला इसने, स्पेलिंग एरर है. ओके, द कमिटी अनएनएमएसली एग्रीड टू इम्प्लामेंट द न्यू पॉलिसी विदाउट फर्दर डिले. देखिए विदाउट फर्दर डिले में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है? एग्रीड टू इम्प्लामेंट, इम्प्लामेंट. ओके, क्या इम्प्लामेंट होता है? या देखो एग्रीड की तो सही है, टू द न्यू भी सही है, इम्प्लामेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंट होता है ना, इम्प्लीमेंट लिखते ना, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट होना था ना कि इम्प्लामेंट, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके, आगे देखिए, ही वॉज एन इरुडाइट स्कॉलर हु हैड ए वेस्ट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट. इरुडाइट होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, विद्वान कह सकते हैं एक तरीके का, तो लर्नड स्कॉलर, लर्नड स्कॉलर जो है सही हो जाएगा. इरुडाइट का क्या बताना था हमें, सिनोनिम, ठीक है, तो इरुडाइट का लर्नड हो जाएगा. ठीक, चलिए, सिंपल नहीं, नॉबल नहीं, इग्नोरेंट भी नहीं होगा. आगे देखिए, ए लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स को रखने की जो जगह होती है उसको बोला जाता है अवेरी. ठीक है, एक तरीके की जो जगह होती है, बड़े बड़े केज बना दिए जाते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उसको बोला जाता है अवेरी, जो कि बर्ड्स को रखने के लिए होती है. अपेरी क्या होती है? जो मधुमक्खियाँ होती ना, हनी बीज होती है, जिन जहाँ पे हनी बीज को रखा जाता है इकट्ठा करके, ठीक है, मतलब मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं ना उनको रखा जाता है, उसको अपेरी बोला जाता है. अर्काइव क्या होता है? अर्काइव को बोलते हैं हम अभिलेखागार, जहाँ पे हम जो भी हमारी पुरानी चीज़ें रही, डाटा, फैक्ट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, मेमोज, इन सारी चीज़, मतलब पुरानी चीज़ें जो हैं वो संभाल के रखते हैं, उसको बोला जाता है अर्काइव. हिंदी में इसको बोलेंगे अभिलेखागार. ठीक है, अबेटर क्या होता है? अबेटर होता है स्लॉटर हाउस भी इसको आप बोल सकते हैं. स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ पे जो भी जानवर होते हैं उनको मारा जाता है. ठीक है, हिंदी में इसको बूचड़ खाना बोला जाता है. ठीक है, मतलब जो जानवरों का मारकर मांस वगैरह जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं अबेटर. ठीक है,
चलिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर. शी आंसर्ड द क्वेश्चन डैश विदाउट एनी हेजिटेशन. मतलब उसने आंसर किया क्वेश्चंस का विदाउट एनी हेजिटेशन. जब हेजिटेट नहीं हुई है तो ऑब्वियस वो कॉन्फिडेंट होगी. तो शी आंसर्ड द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन. नर्वियसली नहीं, एंग्रीली नहीं, पोलाइटली नहीं, कॉन्फिडेंटली. ठीक है, ओके. अगेन idiom है द एम्प्लॉय डिसाइड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश. मतलब एम्प्लॉय ने डिसाइड किया कि वो जो है रिपोर्ट को खत्म करने के लिए बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि अपना पूरी रात जो है वो काम करेंगे, तभी तो जो है रिपोर्ट पूरी हो पाएगी. तो टू वर्क लेट इन टू द नाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सेट फायर टू ऑयल, ये तो क्या हो गया, आग में घी डालने बराबर हो गया ना. ठीक है, वेस्ट टाइम, टाइम खराब करने से टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी, नो. वर्क लेट एट नाइट हो जाएगा, लेट इन टू द नाइट. ठीक है, ओके. ही वॉज ए जेनरस मैन हु ऑलवेज हेल्प द पुअर. जेनरस का क्या बताना है, एंटेनम बताना है. जेनरस क्या होता है, जेनरस होता है अबंडेंट, जिसमें कोई चीज की कमी ना हो, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर हो जाएगा. ठीक है, या आप इसको अगर वैसे देखिए, यहां पे जो बात हो रही है जेनरस मैन, तो उदार हो जाएगा, लिबरल कह सकते हैं जिसको आप. ठीक है, लीनियंट कह सकते हैं, ही वॉज ए लीनियंट मैन, तो वो वाली चीज हो जाएगी. ठीक है, उदार या दानी, दानी कह सकते हैं, क्योंकि हु ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो दानी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे जेनरस के लिए. ठीक है, तो अब एंटेनम बताना है. वेल्थी तो वही होता है जिसके पास धन होता है, काइंड दयालु ही हो जाएगा. नोबल भी ऐसा ही होता है, महान करके कर सकते हैं. ठीक है, जो कि ग्लोरियस हो, सुप्रीम हो, बिग हो, उसको नोबल बोलेंगे. तो बचा क्या, स्टिंगी, स्टिंगी होता है कंजूस. ठीक है, तो ये हो जाएगा कंजूस, मक्खी चूस, स्टिंगी. चलिए ये तो पेपर हमने कर लिया ना, ये हम कर चुके हैं, गॉड सेव एंड प्रोटेक्ट, ये हो चुका हमारा. ओके चलिए, आई थिंक, वेट अ मिनट. देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. द न्यू एम्प्लॉय हैड टू लर्न टू होल्ड देयर हॉर्सेज इन द टर्म, सॉरी टीम. कि न्यू एम्प्लॉय को जो है सीखना पड़ेगा टू देयर हॉर्सेज इन द टीम. ओके, होल्ड मतलब उसको कंट्रोल में करना सीखना पड़ेगा, यही तो होगा. तो इसका हमें बताना कि कौन सा कंट्रोल मतलब बनेगा. तो रीन इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लिमिट में रखना, कंट्रोल में रखना. तो टू लिमिट और कंट्रोल, इसका ये मतलब हो जाएगा. ठीक है, स्पर ऑन क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, इनकरेज करना किसी को. ठीक है, सैडल अप क्या होगा, सैडल अप होता है जो हम घोड़े पर बैठने के लिए जो सीट लगाते हैं, काठी बोलते हैं जिसको, काठी बांधना, तो वो सैडल अप होती है. गैलप अवे क्या होता है, दौड़ना, सरपट दौड़ना जो होता है उसको गैलप अवे जो है बोला जाता है, सरपट दौड़. ठीक, दौड़ नहीं सरपट, दूर मतलब कहीं पर भी जो है क्या जाना, स्पीड से जाना, सरपट जाना. ठीक है, ही स्पोक इन ए विस्पर ट्राइंग नॉट टू डिस्टर्ब द अदर इन द क्वाइट लाइब्रेरी. ठीक है, ही स्पोक इन ए विस्पर, विस्पर मतलब स्लो आवाज में बोल रहा है, फुसफुसा के कह सकते हैं, ताकि जो लाइब्रेरी में है किसी और को वो डिस्टर्बेंस ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंटीनम बताना है. तो विस्पर होता है फुसफुसाना, धीमे बोलना बिल्कुल. ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है क्लियर, स्पष्ट, तो ये तो नहीं होगा. मंबल और मुरमुर क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़बड़ाना या स्लो आवाज में फुसफुसाना ही कह सकते हैं. तो शाउट जो है इसका हो जाएगा एंटेनम. शाउट क्या होता है, चिल्लाना. एक तो आप बिल्कुल धीमी आवाज में बोल रहे हो, कब चिल्ला के बोल रहे हो, तो ये इसका एंटेनम हो जाएगा. द कॉम्प्लेक्स टास्क वॉज एग्जीक्यूटेड डैश बाय द स्किल्ड आर्टिशियन. ओके, जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो एग्जीक्यूट किया जाता है डैश बाय स्किल्ड आर्टिशियन के द्वारा. किस तरीके से, जब स्किल्ड है तो पूरी बारीकी के साथ करेंगे, तो मेटिक्युलियसली होता है, बारीकी से कोई चीज़ को करना, कैजुअली नहीं होगा, लेजीली नहीं होगा, हेस्टिली नहीं होगा. ओके, आइडेंटिफाई द एरर. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट अलोंग विद इट्स इंटरेस्ट रिक्वायर ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइन प्रिंसिपल. रिक्वायर में जो है मिस्टेक है, रिक्वायर्ड होना चाहिए था, रिक्वायर्ड ए. ठीक, तो रिक्वायर्ड में हो जाएगी. ओके, अगेन देखिए, यहाँ पे हमें बताना है सब्सटीट्यूट द ब्रैकेट वर्ड. ओके, सब्सटीट्यूट करना है. द शेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस डिश शो केसिंग हिज क्लिनरी या स्किल्स. ठीक है, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए. तो स्किल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज रहेगा, एक्सपर्टीज. एक्सपर्टीज क्या होती है, निपुणता, विशेषज्ञता. तो वही स्किल्स दिखाने की बात हो रही है, तो एक्सपर्टीज हो जाएगा. क्विकनेस नहीं होगा, क्विकनेस मतलब जल्दी से. इनएडिक्वेसी क्या होता है,
इन एडिक्वेसी भी नहीं होगा यहाँ पे, टेस्ट तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट, ओके, इन एडिक्वेसी होता है अपर्याप्त, कोई चीज़ इनसफिशियंट जब होती है, इन एडिक्वेसी, ठीक है। इन टूडे सोसाइटी स्मार्टफोन हैव बिकम यूबिकेशियस सीमलेसली इंटीग्रेटिंग इन टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ओके ओके, देखिए यूबिक्वेश का मतलब क्या होता है, यूबिक्वेश इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, मतलब कोई चीज़ जो सारी जगह प्रेजेंट है। स्मार्टफोन जो है क्या है, पॉपुलर है और प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका क्या बताना है, यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है, जो इसको सब्सिट्यूट कर सके, तो हो जाएगा प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का मतलब क्या होता है, प्रचलित कोई चीज़ जब होती है, ठीक है, पॉपुलर हो जो, तो वो हो जाएगा ये। ऑब्सोलीट तो पुरानी हो जाएगी। स्पोरेडिक क्या होती है, यहाँ वहाँ जो चीज़ें होती हैं, मतलब कोई इतनी वो नहीं जो प्रचलित हो, ठीक है। और स्कार से भी क्या होता है, जो कि मुश्किल से पाई जाती है, दुर्लभ होती है, जो लेस होती है, शॉर्ट, कम होती है, मतलब, तो वो हो जाएगा, तो प्रीवेलेंट रहेगा जो कि प्रचलित है। ओके, हिज इरुडिशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर वॉज ट्रूली रिमार्केबल, इसका सिनोनिम बताना है। ओके, इरुडिशन क्या होता है, इरुडिशन होता है किसी चीज़ का क्या होना, ज्ञान होना, स्कॉलरशिप होना, विजडम कह सकते हैं, लर्निंग कह सकते हैं, तो इसका हमें सिनोनिम, तो इनसाइटफुलनेस, इनसाइटफुलनेस क्या होता है, किसी चीज़ का ज्ञान हो रहा, अंतःदृष्टि कह सकते हैं उसके लिए। एब्सोल्यूटनेस भी नहीं होगा, असेंट्रिसिटी नहीं, सगेसिटी नहीं। ओके, दे सेल्डम अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बताना है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमें नहीं दिख रहा है जहाँ पे वर्ड की फॉर्म यूज़ की गई हो, ठीक है। तो डोंट दे, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डोंट, डोंट दे जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग मैंने करवा रखे हैं, जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और दो जो है क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीचिंग में तो स्पेशली। ओके, शी इज रिनाउंड फॉर हर एक्सपर्टीज अर्निंग अकॉलेट्स इन द फील्ड। द मिस्टीरियस हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट लुक्ड फोरबोडिंग। फोरबोडिंग का मतलब क्या होता है, फोरबोडिंग होता है किसी भी डेंजर या ट्रबल का आभास होना, तो ये यहाँ पे रहेगा, कंसीलिंग इट्स सीक्रेट्स। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरेंज देम कोहेरेंट पैसेज, तो इससे देखिए सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो ए और सी जिसमें होंगे वो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दिस सिनर्जी बिटवीन एज और प्रैक्टिस से भी नहीं। कॉन्ट्रेरी टू द नोशन ऑफ ऑब्सोलीट ट्रेडिशन, मैनी कल्चरल प्रैक्टिस कंटिन्यू टू प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग सोसाइटल वैल्यूज। एज सोसाइटी इवॉल्व, द इंटीग्रेशन ऑफ टाइम ऑनर्ड कस्टम बिकम ए प्राइवेट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्थलेस विद द एविडेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल मेथड्स आर बींग रिविजिटेड एंड अडेप्टेड फॉर कंटेम्प्रेरी नीड्स। दिस सिनर्जी बिटवीन एज ओल्ड प्रैक्टिस एंड कटिंग एज इनोवेशन अंडर स्कोर्स द डायनेमिक नेचर ऑफ प्रोग्रेस। तो डी सी ए बी जो है इसका सही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। आई एम फीलिंग एक्सटेटिक अबाउट द अपकमिंग इवेंट। ओके, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, मतलब किस चीज़ के लिए उत्साहित होना, तो जॉयस हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, सिनोनिम बताना था। ओके, आगे देखिए, यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, तो इसकी जगह पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, फ्राइंग एग्स नहीं रहेगा, ब्रेक मतलब तोड़ने की बात हो रही, तो क्रैकिंग एग्स हो जाएगा, तो कुक थोड़ी करेंगे ना, स्क्रैम्बल, क्रैकिंग एग्स होगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखिए, द एटमोसफेयर एट द पार्टी वॉज लाइवली एंड एग्जूबरेंट। ओके, यहाँ पे इसका क्या बताना है, एंटीनम बताना है। एग्जूबरेंट क्या होता है, एग्जूबरेंट होता है, एग्जूबरेंट कह सकते हैं, एग्जूबरेंट, तो इसका एंटीनम बताना है। इसका मतलब क्या होता है, एग्जूबरेंट का इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण, ठीक है, उत्साहपूर्ण हो जाएगा, तो इसका एंटीनम क्या होगा, लैक लस्टर, जो क्या हो, डल हो, क्या हो, सॉफ्ट हो, जो जेंटल हो, जिसमें मतलब एनर्जी ना हो, जिसमें जिसमें एनर्जी ना बची हो, तो हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ विजिटेड द म्यूजियम बिफोर। ओके, नेगेटिव बनाना है, तो अब इसमें हैज़ गिवन है, तो इसको नेगेटिव बना दो, हैज़ नॉट, और यहाँ पे जो गिवन है वही लिख दो, हैज़न्ट सी, ये हो जाएगा हैज़ नॉट सी, ठीक। तो ये थे क्वेश्चंस इंग्लिश के, सभी क्वेश्चंस करने का फ़ायदा नहीं है, जस्ट ये बताना था कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आपको वन वर्ड पढ़ना है,
आपको idiom phrase पढ़ना है, ठीक है। एक दो prepositions का देख लो कि prepositions कहाँ पे use होते हैं, और एक tense पढ़ लो, ठीक। तो मोस्टली यही चीज़ें जो है इसमें पूछी जाती हैं। एंटीनम सिनोनिम तो फिर देखो, अगर आप डेली के कर रहे हैं तो बेटर है ही, अदरवाइज फिर एक दिन में तो देखो याद होंगे नहीं, ठीक है। तो जो प्रीवियस में पूछे गए हैं TCS एग्जाम्स में जो आए हैं SSC वगैरह में, वो कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ उनको पढ़ लीजिए, 10 पढ़ रहे हैं 20 पढ़ रहे हैं, वो आप पे डिपेंड है आप कितने याद रख पाते हैं, ओके। तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी जो जो हमारी तैयारी जो चल रही थी उसी पर चलते हैं अभी, क्योंकि मार्च में जो पेपर हुए थे वो हमने कवर कर लिए हैं, GS और इसके क्या कहते हैं इंग्लिश पूछा गया था मोस्टली एग्जाम में, हिंदी नहीं था, हिंदी सिर्फ PGT फाइन आर्ट में पूछा गया था। तो 20 क्वेश्चंस क्या कराने हैं, ठीक है। सेम वही हिंदी आई थी जो हमने फरवरी के एग्जाम्स में देखी थी, कुछ नया नहीं था, ठीक है। तो हिंदी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ये हमने पढ़ लिया है। फिर हम अपनी जो भी हम पढ़ रहे थे पहले उसी पर चलते हैं, और जो हमारा बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।